दोस्तों आजकल छोटे छोटे बच्चों का शादी कर लेना और फिर सोशल मीडिया पर कपल गोल करना काफ़ी आम हो गया है। ऐसे काफ़ी बच्चे आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में शादी कर रखी है। और ऐसी ही दो बच्चों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, जिन्होंने 14 से 15 साल की एज में शादी कर ली जैसे कोई खेल चल रहा है। महीनों बाद उस शादी को तोड़ भी दिया और पहली शादी टूटने के बाद दोनों ही बच्चों ने अपने अपने हस्बैंड वाइफ ढूंढ भी लिए और अब इनसे शादी करने की सोच रहे हैं। दोस्तों यकीन करना मुश्किल है पर ये बात सही है। दोनों खुद से बताते हैं कि कैसे इन्होंने पहली शादी की और अब दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। वेल दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं बच्चों की इन हरकतों के बारे में जानने वाले हैं, कैसे इन्होंने शादी को एक खेल समझ रखा है। इनके घर पर कोई इन्हें कुछ कहने वाला नहीं है, ये दोनों एक तो छोड़ो दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं अभी इतनी कम उम्र में, जहां इन्हें पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। जानते हैं सबके बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दोनों बच्चों के बारे में और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने इतनी कम उम्र में शादी कर ली और शादी करके उसे तोड़ भी दिया और अब अपने नए हस्बैंड वाइफ के साथ सोशल मीडिया पर कपल गोल कर रहे हैं। इस वीडियो में ये जो लड़का दिख रहा है इसका नाम सिमल लकरा है, झारखंड के एक जिले जमशेदपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला। इसका जन्म 2006 को झारखंड में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहाँ ये अपनी मम्मी और बहन के साथ रहता है। इसकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से चल रही थी पर पहली शादी होने के बाद इसने स्कूल जाना छोड़ दिया और अब ये फिलहाल अपनी मदर और अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ रील वीडियो बनाता है। इसके इसकी एक्स वाइफ के साथ वीडियो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो रोस्टर रोस्ट करते रहते हैं। चाइल्डहुड मैरिज और इनकी सो कॉल्ड लव स्टोरी जानने से पहले जान लेते हैं इनकी एक्स वाइफ मनीषा के बारे में। मनीषा का जन्म 2007 को झारखंड के जमशेदपुर में एक दूसरे गाँव में हुआ, लेकिन ये अपने बचपन से ही सिमल के घर के पास रहती थी और ये आज 15 साल की है। दोनों की लव स्टोरी तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है और शादी तो उससे भी ज़्यादा अजीब थी, पर आपको डेफिनेटली हंसी आने वाली है। दरअसल ये पड़ोस में रहते थे, साथ में घूमते फिरते थे और खेलते थे जैसे कि अक्सर बच्चे खेलते हैं और साथ में वीडियो भी बनाते थे। 1 महीने बाद ही मनीषा को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा, फैमिली इश्यू की वजह से ये अलग रहने लगे। अब तो मनीषा चली जाएगी, मैं किसके साथ रहूँगा, वो जा रही है, उसके जाने के बाद मैं कैसे रहूँगा। मनीषा तो चली गई लेकिन सिमल से नहीं रहा गया, या फिर कह सकते हैं कि फिल्में वगैरह देख के बच्चे का दिमाग चल गया। सिमल पहुँच गया मनीषा के घर में, वो भी अपनी पॉकेट में सिंदूर लेके, और मनीषा के घर जाकर उसको सिंदूर लगा दिया। ऐसे हाँ बोला ना, तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम मंगलसूत्र पहना दिए। शायद सिमल ने बॉलीवुड मूवीज़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। इनकी ये हरकतें देखने के बाद मनीषा की फैमिली ने बोला अगर मनीषा रेडी है तो ठीक है, वरना वो सिंदूर हटा देंगे और मंगलसूत्र तोड़ देंगे। तब मनीषा का एक दूसरा फ्रेंड रोहित मनीषा को लाइक करता था, उसने सिंदूर हटा दिया और मनीषा को शादी ना करने के लिए कन्विंस करने लगा। मनीषा की फैमिली ने मनीषा से कहा देख लो क्या करना है, सिमल के साथ जाना है या रोहित के साथ। मनीषा ने बोला मुझे सिमल के साथ जाना है और वो सिमल के साथ रहने चली गई। कुछ दिन साथ रहने के बाद मनीषा को रियलाइज़ हुआ कि उसे सिमल के साथ नहीं रहना चाहिए, उसे लगा सिमल से बेटर तो रोहित था। तब फिर मनीषा ने सिमल को छोड़ने का फैसला ले लिया और सिमल के साथ शादी वादी जो भी सीन था वो ख़त्म कर दिया। अपने घर आ गई, अपनी दीदी के साथ रहने लगी। कुछ दिन घर रहने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सिमल से नहीं रोहित से प्यार करती थी और फिर उसने ये बात रोहित को बताई और फिर मनीषा और रोहित रिलेशनशिप में आ गए और अब ये दोनों सोशल मीडिया पर कपल गोल करते हैं। और जो वीडियो मनीषा कुछ टाइम पहले सिमल के साथ बनाती थी वो अब रोहित के साथ बनाने लगी और अब वो रोहित से शादी करना चाहती हैं, ये बात वो खुद बोल चुकी हैं। और उधर सिमल का भी कुछ ऐसा ही सीन है, मनीषा के चले जाने के बाद सिमल ने कुछ टाइम तो अपनी माँ के साथ वीडियो बनाई, वो रोते गाते अपनी माँ के साथ वीडियो बनाते थे, लेकिन अब उसे गर्लफ्रेंड मिल गई है जिसके साथ वो वीडियो बनाता नज़र आता है, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका फेस पूरी तरह तो नहीं दिखता क्योंकि ये वीडियो में मास्क पहनती है। इसका नाम रेखा है और ये सिमल की नई गर्लफ्रेंड है
और सीमा लव रेखा से दूसरी शादी करना चाहते हैं। मतलब इनकी लाइफ में पढ़ाई लिखाई और करियर से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है और स्कूल तो छोड़ ही दिया है। बस रह गया है निब्बा निब्बी से शादी करो, कुछ दिन साथ रहो और छोड़ दो। अब तो बच गया है, अब उन्हें शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पूरा मजाक बना कर रखा है। और लोगों के घर पे कोई ने कुछ बोलने वाला नहीं है क्या? जो कर रहा है वैसे करते रहते हैं। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका इन दोनों के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इनकी हरकतें कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं आपके सब कमेंट रीड करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वेल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अगर थोड़ा सा भी फनी लगा हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी ऐसे अमेजिंग और इंटरव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई शिकायत और सजेशन कर तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।